दोस्तों आज हम अपने चैनल पर अब तक की सबसे बेहतरीन साइंस फिक्शन मूवीज में से एक एनाइलेशन आपके लिए लाए हैं। इसमें एलियन सेल्स और ह्यूमन एनवायरनमेंट का पॉसिबल हाइपोथेटिक इफेक्ट दिखाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग मूवी को। दोस्तों हम लोग आपको प्रिफर करेंगे कि आप इस वीडियो को आगे देखने से पहले रिफ्रैक्शन और सेल डिवीजन के बारे में बेसिक नॉलेज ले लीजिए, लेकिन अगर आप पहले से इस बारे में जानते हैं तो आप कंटिन्यू रख सकते हैं। इस फिल्म की स्टार्ट में हम देखते हैं केन और लीना के कपल को, जो शुरुआत में अपनी मैरिड लाइफ से खुश देखते हैं, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल केन मिलिट्री में होता है और उन दोनों की दूरी की वजह से लीना का डैनियल नाम के एक आदमी से अफेयर हो जाता है। केन को जब इस बारे में पता चलता है तो वो बहुत उदास हो जाता है और एक ऐसे मिशन पर चला जाता है जिसके बाद वो कभी नहीं लौटता। 6 महीने तक लीना उसके बारे में मिलिट्री में पता करती है, पर जब कोई खबर नहीं मिलती तब उसे यकीन हो जाता है कि शायद केन मर चुका है। 1 साल बीत जाता है पर हम देखते हैं कि लीना अभी भी केन को याद कर रही होती है। तभी अचानक से केन गेट पर आ जाता है, जिसको देखकर लीना बहुत खुश हो जाती है। लीना उससे कई सवाल पूछती है लेकिन केन किसी भी चीज का जवाब नहीं देता है और बात चेंज कर देता है। तभी केन की तबीयत बिगड़ जाती है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। लीना उसे एम्बुलेंस में ले जा रही होती है लेकिन बीच रास्ते में द सदर्न रीच नाम के ऑर्गेनाइजेशन के लोग उसे उठाकर ले जाते हैं और केन का इलाज करते हैं। केन की तबीयत में फिर भी ऐसा कोई सुधार नहीं आता। वहाँ पर उसकी मुलाकात होती है डॉक्टर वेंट्रेस से, जो उसे केन के मिशन के बारे में बताती है, जिसके साथ उसे ये भी पता चलता है कि मिशन से लौटने वाला केन एक लौता व्यक्ति है। अब वेंट्रेस बताती है कि एक लाइट हाउस में स्पेस से एक मीटियोराइट आ गिरता है। उस मीटियोराइट से एक शिमर काफी लंबी रेंज में फॉर्म होता है। शिमर एक डोम स्ट्रक्चरल स्पार्कलिंग शील्ड होती है। उस शिमर की फॉर्मेशन और रिसर्च के लिए उसके अंदर कई इंसानों और एनिमल्स को भेजा गया था, लेकिन वहां से कोई नहीं लौटा और अब 1 साल बाद केन लौट के आता है। सदर्न रीच इसी शिमर को स्टडी करने का काम करता है। अब यहाँ पे एक टीम फॉर्म की जाती है जिसका मिशन इस शिमर के अंदर घुसकर रिसर्च करके इस शिमर के सेंटर यानी लाइट हाउस को उड़ाना होता है। इसके लिए स्पेशली उन लोगों को चुना जाता है जो अपनी जिंदगी से ऊब चुके हैं और उन्हें अब अपनी लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं। केन के भी यहाँ आने का कारण डैनियल के साथ लीना का अफेयर होना ही होता है। जब लीना को इस बारे में पता चलता है तो उसे बहुत दुख होता है और वो भी इस मिशन में हिस्सा लेने का फैसला करती है। इस टीम में लीना के अलावा 4 और फीमेल्स होती हैं, जिनमें डॉक्टर वेंट्रेस, कैस शेपर्ड, आनिया थोरेंसन और जॉसी रेडक होती हैं। अब ये लोग शिमर की ओर घुसने जा रहे होते हैं और घुसने के बाद हम देखते हैं कि वो सब बेहोश पड़ी थी और अब उनको होश आ रहा था। यहाँ पे कंफर्म किया जाता है कि ये शिमर एलियन सेल से बना है और इनकी वजह से अलग अलग बींग्स के सेल एक दूसरे पर रिफ्रैक्ट होकर शेयर हो रहे थे। जैसे मान लीजिए कि हम दोनों अगल बगल बैठे हैं तो आपकी स्किन का कुछ हिस्सा थ्रू द रिफ्रैक्शन मेरी स्किन पर भी इफेक्ट दिखाएगा। ये केवल इस शिमर के अंदर इन एलियन सेल्स की वजह से ही होता है। यहाँ पे हमें लगता है कि ये सब शिमर में घुसते ही बेहोश हो गई थी और सेम ऐसा उन सभी लड़कियों को भी लगता है, लेकिन बाद में उन्हें पता चलता है कि उन्हें यहाँ रहते 4 दिन बीत चुके हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि उनका 4 दिन का खाना खत्म हो चुका है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उन सभी को पिछले 4 दिन के बारे में कुछ याद नहीं रहता। वो सब अलग अलग टेंट्स में सोते हैं पर फिर भी उन्हें कुछ याद नहीं रहता। शिमर में उनका कंपास भी ढंग से काम नहीं कर रहा था, लेकिन सूर्य को देखकर वो अंदाजा लगाते हैं और सदर्न साइड में जाने लगते हैं, क्योंकि वो लाइट हाउस साउथ में ही था। वो रास्ते में ऐसे कई प्लांट से रूबरू होते हैं जिनके डीएनए में फेरबदल हुई थी और उनमें रिफ्रैक्शन का असर साफ साफ देखा जा सकता था। बोट से एक नदी पार करते समय उनके पीछे एक क्रोकोडाइल पड़ जाता है, जिसको किसी तरह से वो लोग गन से मार देते हैं, लेकिन बाद में उसे देखने में पता चलता है कि उसके दांत शार्क के थे। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एलियन सेल की वजह से शार्क का डीएनए क्रोकोडाइल के साथ कुछ कुछ मिक्स हो गया था। जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ते हैं वो देखते हैं कि इसका इफेक्ट बढ़ता जा रहा है। इस दौरान उन्हें एक हिरण दिखता है जिसके सींगों में फूल और पौधे उगे थे, और इसी जगह पे हम ऐसे ही कई म्यूटेशंस के एग्जांपल देखते हैं। उसके बाद वो एक बेस पर पहुंचते हैं जो शिमर के पहले फ्रिक्वेंटली यूज किया जाता था। यहाँ पर उन्हें एक मेमोरी कार्ड मिलता है जो यहाँ पर आई हुई पहली टीम का होता है, और उसे प्ले करने पर उसमें एक वीडियो होता है जिसमें वो देख सकते हैं कि एक आदमी के पेट में उसका ट्यूब शेप्ड ऑर्गन स्नेक की तरह मूव कर रहा होता है, और सिंपली इसका कारण उसके और स्नेक के बीच डीएनए रिफ्रैक्शन के कारण होता है, जिसका रीजन ये एलियन सेल है। रात में लीना अपने बॉडी सेल्स को स्टडी करती है, जहां उसे पता चलता है कि उसके अंदर कुछ एबनॉर्मल सेल्स भी आ गए हैं, पर वो इस पर इतना मेजरली गौर नहीं करती। इसके बाद लीना बाहर जाती है और वेंट्रेस से कुछ बात करने लगती है, लेकिन तभी एक भालू उन पर अटैक कर देता है
और इस झड़प में वो भालू कैस को अपने साथ खींचकर ले जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग आनिया और जॉसी शिमर से बाहर जाने का फैसला करती है, पर वेंट्रेस इसके खिलाफ हो जाती है। लीना भी लाइट हाउस में पहुंचना चाहती है, इसलिए वो उन दोनों से झूठ बोल देती है कि लाइट हाउस शिमर से निकलने का सबसे आसान और सही तरीका है। कुछ देर बाद उन्हें कैस की लाश मिलती है और वो जान जाते हैं कि भालू ने ही उसे चीर फाड़ के फेंक दिया। कुछ दूर उन्हें ह्यूमंस के हूबहू शेप के प्लांट्स दिखते हैं, पर उन्हें अंदाजा हो जाता है कि ये ह्यूमंस ही थे जिनका डीएनए प्लांट्स के साथ रिफ्लेक्ट कर गया और धीरे धीरे ये पूरी तरह प्लांट्स में बदल गए। वो दिन वो लोग एक घर में बिताते हैं। अगली सुबह वो सब अपने आप को बंधा हुआ पाते हैं और उनके सामने आन्या बंदूक लिए खड़ी रहती है। आन्या को पता चल जाता है कि केन उसका पति है और उसे ढूंढने के लिए ही उसने लाइट हाउस वाला झूठ बोला। तभी उन्हें कैस की आवाज सुनाई देती है जिसे पिछली रात भालू ने मार दिया था, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि ये कैस नहीं बल्कि वही भालू है जिसने कैस को मारा था। ये भालू कैस की आवाज निकाल रहा था और ऐसा इसलिए क्योंकि कैस की आवाज का कैरेक्टरिस्टिक इस भालू के साथ म्यूटेट हो गया था। इसमें गौर करने वाली बात ये थी कि वो भालू केवल कैस की आवाज में हेल्प मी के अलावा और कुछ नहीं कह सकता था और इसके अलावा उसमें कोई और चेंज नहीं आया था। तभी वो लोग किसी तरह भालू को मार देते हैं, लेकिन इस एनकाउंटर में आन्या की मौत हो जाती है। डॉक्टर वेंट्रेस उसी समय लाइट हाउस के लिए निकलने का फैसला करती है, लेकिन लीना और जॉसी उस रात रुकने का डिसीजन लेते हैं। अगले दिन दोनों में काफी फिजिकल चेंजेस देखे जाते हैं और जॉसी इस बात को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ती है और कुछ दूर पर पेड़ बन जाती है। इसके कुछ देर बाद लीना फाइनली लाइट हाउस के अंदर घुसती है। वहां उसे एक लाश और उसके सामने एक ट्राइपॉड मिलता है। उस ट्राइपॉड को देखने पर उसे पता चलता है कि वो लाश केन की है जो अपनी बॉडी में हो रहे चेंजेस से परेशान होकर खुद को आग लगा लेता है और किसी को लीना को ढूंढने को कहता है। और तभी वहां हमें केन का एक क्लोन दिखता है और लीना समझ जाती है कि एक साल बाद केन नहीं बल्कि उसका क्लोन लौटा है। इसके बाद वो वहां घुसती है जहां पर मीटियोराइट गिरने से होल बन गया था और अंदर जाकर देखती है कि उसके सामने वेंट्रेस है जो कि मरने वाली होती है और लीना को एलियन सेल्स के बारे में कुछ चीजें बताती है। इसके बाद वेंट्रेस एक गोल्डन क्लाउड बन जाती है जो लीना के अंदर से थोड़ा डीएनए एक्सट्रैक्ट कर लेती है और एक ह्यूमनॉइड में बदल जाती है। लीना इस ह्यूमनॉइड पर शूट भी करती है पर उसे कुछ नहीं होता। कुछ देर बाद वो ह्यूमनॉइड लीना को कॉपी करने लगती है और हूबहू उसी की तरह व्यवहार करती है, लेकिन जब लीना को ये पता चलता है तो वो ह्यूमनॉइड को एक तरह के मिमिक ट्रैप में फंसा कर केन की बॉडी से एक फॉस्फोरस बॉम्ब निकालती है और ह्यूमनॉइड के हाथों में दे देती है। जैसे ही लीना ह्यूमनॉइड को टच करती है, ह्यूमनॉइड की शक्ल चेंज हो जाती है और वो हूबहू लीना की तरह दिखने लगती है। इसके बाद लीना बॉम्ब पिन हटा देती है और वहां से भाग जाती है, जिसके बाद वो बॉम्ब ह्यूमनॉइड के हाथों में ब्लास्ट हो जाता है और इसी के साथ वहां एक बड़ा सा धमाका होता है और पूरा शिमर तबाह हो जाता है। इसके बाद लीना को सदर्न रीच के ऑफिस में अपना बयान देते हुए दिखाया जाता है और यहाँ पर उसके हाथों में बना म्यूटेटेड टैटू भी देखा जा सकता है। यहाँ पर हम ये महसूस करते हैं कि लीना की मेमोरी में कुछ गड़बड़ हुई है, क्योंकि लीना बताती है कि वो कुछ हफ्तों से वहाँ थी और उसको खाना खाने के बारे में भी कुछ याद नहीं रहता, जबकि लीना वहाँ महीनों से थी और इतने दिन बिना खाना खाए जिस कंडीशन में लीना थी वैसे रहना इम्पॉसिबल के बराबर था। इसके बाद हम लीना को केन के पास जाते देखते हैं और दोनों गले मिल जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि लीना और केन की आंखों में अभी भी एलियन सेल का इफेक्ट है, यानी उनके अंदर से एलियन सेल अभी भी कम्प्लीटली नहीं गया। दी एंड। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन को जरूर दबाइएगा ताकि हमें ऐसी ही वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे। हम फिर मिलेंगे एक ऐसी ही मूवी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।